आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 654वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको विशाखापट्टनम के करीब जनजाति संग्रहालय जो अराकू वैली में स्थित है वहां लेकर चल रहे हैं। अराकू जनजाति संग्रहालय एक अद्भुत जगह है जो पूर्वी घाटी की जनजाति संस्कृति को दर्शाता है। ये अराकू वैली में घूमने के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने 1996 में इस संग्रहालय की स्थापना की। अराकू घाटी में 19 जनजातियां हैं जो शहर के आसपास क्षेत्र में रहती हैं। संग्रहालय का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अराकू जनजातीय संग्रहालय एक ऐतिहासिक स्थान तो नहीं है, लेकिन वहाँ वर्तमान में वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ जानकारी आपको प्रदान की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए लिमटी की लालटेन के 654वें एपिसोड में फिलहाल आप देख रहे हैं अराकू जनजातीय संग्रहालय। संग्रहालय में मिट्टी से बने कई स्मारक हैं जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्शाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से एक बैलगाड़ी कितने बड़े बड़े चक्कों के साथ ये बैलगाड़ी यहाँ पर रखी दिखाई दे रही होगी। पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और पर्यटकों के द्वारा इसका भरपूर आनंद लिया जाता है। इसमें जो कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं उनमें आभूषण, शिकार के औजार, रसोई के बर्तन आदि सब शामिल है। और यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो आगंतुकों को सहायता कर आदि बहुत जानकारियाँ आपको प्रदान करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 654वां एपिसोड आप देख रहे हैं। यहाँ पर जनजातीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले हथियार और अन्य चीज़ों की यहाँ प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं की प्रतिकृति, मिट्टी की बनी प्रतिकृति आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैठी आपको दिखाई दे रही होंगी। अब ये आपको थोड़ा सा आगे अगर हम लेके जाएं तो ये यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बनने वाली मदिरा, जो आदिवासी जिस मदिरा का प्रयोग करते हैं उस मदिरा, जिसे बोलचाल की भाषा में ताड़ी कहा जाता है। ये देखिए, ताड़ का एक पेड़ बनाया गया है। उस पेड़ से ताड़ी उतार रहा है एक युवक और नीचे एक महिला पुरुष को ताड़ी पिला रही हैं। बहुत सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप अगर विशाखापट्टनम जाते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास अराकू वैली, अराकू वैली जाना ना भूलिए। और अराकू वैली में ये जनजातीय संग्रहालय इस पूरी वैली की जान मानी जा सकती है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये महिलाओं के पुतले लगाए गए हैं और बीच में एक जगह खाली रखी गई है जहाँ आप स्वयं खड़े हो सकते हैं। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ आगे भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर हरा भरा ये संग्रहालय है। तीन महिलाएं इस तरफ, तीन महिलाएं इस तरफ और बीच में, महिलाओं के बीच में हाथ जहां पर एक दूसरे के जुड़े हुए, वहां खाली स्थान है और आप वहां खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। वास्तव में बहुत अद्भुत नज़ारा यहां पर होता है। आपको बहुत ही अलग तरह की अनुभूति होती है जनजातीय। ये देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जनजातीय संग्रहालय में ये 6 पुतले खड़े हुए हैं जिनके बीच में आप खड़े हो, और सजीव पुतले, ऐसा लगता है वास्तव में ये महिलाएं बहुत सजीव यहाँ पर दिखाई देती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 654वां एपिसोड आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसे खोला गया है। अराकू बस स्टेशन, जो बस स्टैंड अराकू का है, वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर यह संग्रहालय स्थित है। और यहाँ एक संग्रहालय में एक ज्योतिषी का घर भी है। जब हम वहाँ पहुँचे तो ज्योतिषी का घर वहाँ पर बंद था। ज्योतिषी के घर, उसके पास एक तोता है जो स्थानीय भाषा में बोलता है। माना जाता है कि उसकी भविष्यवाणियाँ बहुत सही और सटीक साबित होती हैं। अराकू वैली आप अगर जाते हैं तो जनजातीय संग्रहालय देखना ना भूलिए। जनजातीय संग्रहालय हम आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा ये यहाँ किस किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। वास्तव में बहुत देखने योग्य अद्भुत छटा लिए हुए अराकू वैली का ये
जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम है। ये देखिए जनजाति लोगों के द्वारा उपयोग में आने वाले हथियार और उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा, कितने सुंदर यहाँ पर बर्तन बनाए गए हैं, जिन बर्तनों का प्रयोग आदिवासी करते हैं, पानी किस में रखते हैं, क्या यहाँ पर होता है, सब कुछ यहाँ प्रदर्शित किया गया। और साथ में उनके जो आदिवासियों के, ये देखिए यहाँ पर अदालत भी लगी आपको दिखाई दे रही है। ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत होती है, अदालत तो नहीं, पंचायत होती है, और पंचायत के फैसले वहाँ सर्वमान्य हुआ करते हैं। सरपंच को वहाँ सारे अधिकार, इस तरीके की धारणा है कि सरपंच के पास सारे अधिकार होते हैं। ये सब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में। आप लिमटी की लालटेन का 654वां एपिसोड देख रहे हैं। शिकार किस तरह किया जाता है, शिकार के बारे में भी यहाँ पर आपको ये दिखा रहे होंगे। आपके सामने स्पष्ट है किस तरह से शिकार इनके द्वारा किया जाता है। अंदर कदम रखते ही आपको स्थानीय जनजातियों की दुनिया में पहुंचने जैसा महसूस होगा। आप उनके घरों की व्यवस्था देख सकते हैं, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्शाया गया है, बाजार के दृश्य, विभिन्न त्योहारों के दृश्य, और छोटा सा बोर्ड जनजातीय दृश्य को समझाता है। दीवारें मोखटे से भरी हुई हैं, नाटक के लिए मेकअप किए जाने वाला एक दृश्य प्रतीत होता है, संगीत के वाद्य यंत्र, मिट्टी के बर्तन, स्थानीय रूपांकनों वाली दीवार, पेंटिंग्स आपके नयनों को बांध कर रखती हैं। वास्तव में ये जनजातीय जीवन शैली का एक हिस्सा ही प्रतीत होता है। ये देखिए अंदर पूरा संग्रहालय बना हुआ है। महिला किस तरह से, एक वृद्ध महिला घर में खाना पका रही हैं, और यहाँ पर ये जो लौकी और अन्य चीज़ों को सुखा कर किस तरह से उसकी उसके अंदर पानी भरा जाता है, उन बर्तनों को भी इनके द्वारा बनाकर रखा गया है। संग्रहालय में रखे जाने वाले आदिवासी चित्रों पर करीब से नज़र अगर आप डालें तो जिन दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको शुल्क अदा करना हो तो बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम शुल्क आप अदा करके यहाँ पहुँच सकते हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये लौकी, एक अलग तरह की लौकी होती है, एक अलग तरह की फल सब्जी होती है, जिसको सुखा कर इनके द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर पानी काफ़ी देर तक शीतल बना रहता है। सूप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वृक्ष लगा हुआ, और वृक्ष के ऊपर जो छत आपको दिखाई दे रही होगी, छत पर पत्तियां उकेरी गई हैं। आदिवासियों के ये बड़े बड़े चमचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, चम्मच दिखाई दे रहा होगा, जिससे सब्जी आदि निकाली जाती है, दाल सब्जी। ये देखिए कितना सुंदर पुतला एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। दो महिलाएं पीछे खड़ी हुई हैं और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात करते नज़र आ रहे हैं। आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको वास्तव में एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाएंगे, अनुभूति आपकी अलग होगी। कितनी शिद्दत के साथ ये चित्र उकेरे गए हैं, प्रतिमाएं बनाई गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। देखिए आटा पीसती हुई एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी, गले में पानी पीछे रखा हुआ है, नृत्य करते हुए आपको आदिवासी दिखाई दे रहे होंगे। खटिया पर, एक पुरानी खाट पर एक बच्चा बैठा हुआ है और दो बुजुर्ग नीचे बैठकर आपस में बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप फिलहाल देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 654वां एपिसोड। अराकू वैली विशाखापट्टनम के पास स्थित है। हमने पहले आपको अराकू वैली के रास्ते के बारे में बताया था। ये देखिए यहाँ पर इनके द्वारा ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र तरह तरह के आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम लिमटी की लालटेन के पुराने एपिसोड में आपको लेकर गए थे सड़क मार्ग से अराकू, और अब अराकू शहर में आपको हम आदिवासी संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ उनके देवताओं को भी प्रदर्शित किया गया है, देवताओं का स्थान भी यहाँ पर बताया गया है, और
इसके साथ ये देखिए यहाँ से भी अगर आप नज़र डालें तो एक संग्रहालय जो बना हुआ है वो आप लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे अगर आप बहुत इत्मीनान से इसे देखना चाहते हैं तो कम से कम 120-150 मिनट इसमें लग सकते हैं और आधे घंटे में भी आप इसे देख सकते हैं। विशाखापट्टनम अगर आप जाते हैं तो विशाखापट्टनम में आप अराकू वैली जाना ना भूलिए। अराकू वैली किस तरह पहुँचते हैं एलएमटी के लालटेन के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था, और अब फिलहाल हम आपको ये देखिए देवताओं का स्थान, देवताओं की पूजा किस तरह से की जाती है और किस तरह से यहाँ इनके द्वारा ये एक बच्चे को कुछ काढ़ा पिला रहा है उसका पिता, संभवतः काढ़ा कड़वा होगा इसलिए माँ उसे पकड़ कर दिख रही होगी। अब ये देखिए उनके आभूषण किस तरह के हैं, इन आभूषणों को वहाँ पर कांच के अंदर सुसज्जित करके रखा हुआ है, संरक्षित करके रखा हुआ है। अराकू वैली आप जाते हैं तो जनजाति संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। कितने बड़े चके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बैलगाड़ी के, इतने बड़े चके की बैलगाड़ी संभवतः अन्य स्थानों पर शायद ही चलती हो, ये इस तरीके की बैलगाड़ी यहाँ आपको दिखाई दे रही है जो अपने आप में एक अलग अनुभूति आपको प्रदान करती है। लगभग 6 फीट के इसके चके हैं और बाकी जगहों पर आप अगर देखते हैं तो 2.5 फीट के चके या 3 फीट के चके, अधिकतम 3 फीट के चके आपको दिखाई देंगे। कुछ जगहों पर चकों की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट भी होती है, पर यहाँ 6 फीट से ऊंचे चके आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये उनके औजार, आदिवासियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और सबके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके के औजार। यह पंचायत में यहाँ पर सुनवाई जारी है, पंचायत की सुनवाई भी हमने आपको दिखाई। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत की सुनवाई। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये बाजार का दृश्य है, बाजार में महिलाएं कुछ चीज़ें लाकर बेच रही हैं। शिकार किस तरह से किया जाता है जनजातीय समुदाय के द्वारा, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको चित्रों के और पुतलों के माध्यम से, और ऐसा लगेगा आपको, आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। ये सारे पुतले सब कुछ आपको ऐसे प्रतीत होंगे मानो आप सजीव इनको देख रहे हैं, सजीव ही प्रतीत होते हैं। ये धान की कुटाई, गेहूं यहाँ पर पिस रहा है, सब कुछ गांव की संस्कृति किस तरह की है ये आपको देखना अगर है तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और विशाखापट्टनम से बहुत पास अराकू वैली है। अराकू वैली देखने लायक है, अराकू वैली से आप सीधे पहुंच सकते हैं अराकू, और अराकू का ये जनजातीय संग्रहालय हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 654वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो, लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 655वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।